विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। आज चुनाव आयोग ने 21 अक्टूबर से चुनाव होने का ऐलान भी कर दिया है। ऐसे में बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और राज्यसभा सांसद सतीश चंद्र मिश्रा ने बहुजन समाज पार्टी को लेकर एक बड़ा ऐलान कर दिया है। उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव को लेकर पार्टी पूरी तरह से तैयार है। बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और राज्यसभा सांसद सतीश चंद्र मिश्रा प्रदेश में पार्टी को किसी भी पार्टी से गठबंधन करने की आवश्यकता नहीं है। सभी सीटों पर बहुजन समाज पार्टी अकेले अपने दम पर चुनाव लड़ेगी। चुनाव आयोग द्वारा चुनाव कार्यक्रम जारी करने के तुरंत बाद प्रत्याशियों के नामों का ऐलान भी कर दिया जाएगा। मिश्रा ने हरियाणा में एक कार्यक्रम के दौरान ये बात कही है। इसी के साथ ही उन्होंने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि हरियाणा प्रदेश में कानून व्यवस्था का कोई नामो निशान नहीं है। आए दिन हत्या लूटपाट की घटनाएं हो रही है। प्रदेश की महिलाएं भी सुरक्षित नहीं है। वही कांग्रेस का अस्तित्व ही समाप्त हो चुका है। भारतीय जनता पार्टी सरकार की नीतियों से प्रत्येक वर्ग दुखी है। भाजपा लोगों से झूठे वायदे करके बहकाने का काम कर रही है। पिछले चुनाव में जनता से जो वायदे किए, सत्ता में आने के बाद वायदे पूरे नहीं किए।